It's at it. नर हाँ, इसके नीचे बर्फ की लेयर बिछा दी है। अभी एक बार मछली की लेयर हो जाए, फिर इसके ऊपर और बर्फ की लेयर बिछाएंगे, फिर उसके बाद फिर मछली की लेयर बिछाएंगे और तकरीबन एक घंटा के आसपास इसको रहने देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फ्रोजन हो जाएगी और फिर लंबे सफर के लिए ये तैयार रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी, आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लोकोस्ट चैनल। ठंड बड़ी कड़ाके की है, जनवरी का समय है, जनवरी में 5 तारीख है आज, और आज मैं आपको दिखाऊंगा सोल की हार्वेस्टिंग में कैसे करते हैं और हम लोग कैसे 700-800 किलोमीटर दूर तक सोल को हम भेज पाते हैं। अगर हमारे लोकल में अगर उसका भाव सही नहीं मिल रहा है या फिर क्वांटिटी में सेल नहीं हो रहा है तो हम दूर भी भेज सकते हैं, सोल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कितने छोटे पौंड में भी, ये देखिए ये पीछे जो है इसको खाली किया जा रहा है, इतने छोटे छोटे पौंडों में भी सोल की जो है फार्मिंग बहुत अच्छे से संभव होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बड़ा तालाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं, ये देखिए अभी जो जाल से तो जितना निकलता है वो निकाल लिया गया है और बाकी का जो है ये पंप से खाली करके पानी को, इस मछली को इस तरीके से निकाला जाता है। ये देखिए पूरा माल जो है वो बड़ा माल है। आप तालाब में किसी भी कोने में, एक तालाब का जो गहराई होती है उससे 1-1.5 फुट गहरा गड्ढा जरूर बनाइए, उससे ये पंप को रखने में और इससे पानी फेंकने में आसानी आपको मिलेगी। ये अभी बर्फ में पैक होके जाएगा, इसके आगे की प्रोसेस जो है इसको निकाल के बर्फ में जो है वो पैक किया जाएगा, है ना। ये हमारे सोल के सीड हैं जो इन टैंकों में रहते हैं। इसका वाटर चेंज हो रहा है, सर्दी से इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। बाकी पानी अभी और खाली हो चुका होगा, अभी बारिश भी हुई है, देखिए ये सड़क गीली है, ये तालाब काफी पानी गिर गया है तो सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। एक मिनट का पानी और बचा हुआ है, अभी पकड़ने वाले लड़के आए नहीं है, इस वजह से इसका पानी जो है पूरा खाली नहीं कर रहे हैं। बाकी इतना कम पानी में भी आराम से ये सरवाइव कर जाती है, अगर इसको 2 दिन भी छोड़ दिया जाए तो 2 दिन भी इसमें रहेगी। हाँ, बस पक्षी वगैरह जो जंगली जानवर हैं वो परेशान कर सकते हैं, बाकी इसे पानी से कोई समस्या नहीं है, या पानी ठंडा है या पानी कम है इतना इसको असर नहीं होता है, इसलिए ये हमारी फेवरेट फिश है और हम पूरा इसी पे ही काम जो है 90% करते हैं। ये तालाब जो है इसकी जो अब चौड़ाई है लगभग 40 फीट है और लंबाई है 150 फीट, 130 फीट से 150 फीट के लगभग है ये तालाब जो है। इस तरीके से हमारे जो हैं पूरे बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, 22 से 25 तालाब हमने बना के रखे हैं, ख़ास तौर पे ऐसी मछलियों के लिए जिनमें ग्रेडिंग होती है और जो एयर ब्रीदर होती है। वो देखो हमारी एक सोल कितना दूर जा रही है बिना पानी के।
ये देखिए सोल, कुछ तो पानी के बाहर उधर आगे भाग जाएंगी। पानी पूरा ऐसे ढलान रहता है तो सब जगह से वहां से पूरा पानी निकलते हुए आपका कोने में आ जाएगा, और कोने में आप पंप रख के बढ़िया से पानी निकाल सकते हो। अब इसमें हमने 5 या 10 पीस के आसपास में पंगाशेस भी डाल के रखी हुई थी, तो आप देखिए उसे, ये जो पलटी हुई दिख रही है ये पंगाशेस है, ये मर सकती है लेकिन सोल नहीं मरेगा। दूसरा डालो, छोटा है ये सबसे छोटा वाला। एक किलो 300, ये सबसे छोटा था। ये 9 मछली है, 9 मछली का वजन जो है 15-300 लगभग। हाँ 15-300। ये आखिरी में जब ये पानी बचता है थोड़ा सा, तो मोटर खाली नहीं कर सकती, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी पाले बना के पानी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है। जैसे ये आपने बना दिए एक पाल वहाँ पे बना दिए जहाँ जहाँ पे दिख रहा है आपको पानी आते, और एक वहाँ से हमने वहाँ बना दिए, तो उधर का जो है माल निकाल लिए, उधर से पानी इधर फेंक दिए। अब इधर का पानी जो है उसको ट्रांसफर उधर करेंगे और इसका माल निकालेंगे, फिर ये गड्ढा खाली हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ फेंकेंगे पानी। इस तरीके से खाली करके आसानी से माल निकल जाता है। कीचड़ में घुसती है मछली, पकड़ाई नहीं आती, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना कीचड़ मुरेल बनाती नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी बर्तन से पानी इस तरफ डाल दें, थोड़ा बहुत पानी रहता है, 5 मिनट में खाली हो जाता है, और फिर आराम से इस तरीके से आप माल को उठा सकते हैं। ये हमारा बर्फ आ चुका है, ये बर्फ के कार्टून वगैरह आ गए हैं। कुछ समय बाद जब 2 तालाबों से मछली पकड़ा जाएगी, उसके बाद बर्फ में पैक किया जाएगा। अभी हाफे में डलते जा रहा है माल। देखिए उस तरफ में वहां से पूरा माल जो है वो उठा लिया गया है, सेम यही पैटर्न से ये।
यहाँ से पूरा बच्चा जो है वो ले लिया गया है बड़ी मछली, और अब ये बचा है, अब इसको उठाएंगे। हाँ एक मछली लाओ जरा, अरे वो तो ले आओ ले आओ। ये थोड़ा कीचड़ में भिड़ गया है, लाओ पास में लाओ। ये देखो ये है 800, 900 या 1 किलो, ये 3 साइज में से होगा, 900 ग्राम के आसपास का लग रहा है ये। चलो ठीक, ये पहले बर्फ की चादर बिछा दी गई, अब डालो मुरेल को डालो, और ये मुरेल जो है आइस के लिए पैक करने के लिए इसको ठंडी किया जा रहा है। मुरेल में एक जैसे साइज कभी नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। जैसे ये जो है ये 1 किलो का है, ये 1/2 किलो का है, और भी छोटे साइज भी हो सकते हैं। ये विशाल भाई हैं, इनको आपने देखा होगा, ये हमारी हेल्प करने आ गए हैं और सीखने भी कि बर्फ में पैक कैसे किए जाता है। ठीक है, जीरो करो, अब डालो उसमें। हटा लो उसमें, ये एकदम साफ हो गई है कीचड़ में जो है, जो पहले लपटी हुई थी। इनको पहले हापा में रख देते हैं ताकि ये धुल जाए। ना वो कुछ नहीं करेगा, सात सौ तीस है। ठीक, कोई बात नहीं, उठा लेंगे। काम करते करते थोड़ा सा ठंडी दूर हुई है, और ये जो है ये मुरेल को हम लोग फ्रोजन कर रहे हैं। अभी बिल्कुल फ्रीज करके फिर ये बॉक्सों में पैक हो जाएगी। वहाँ पर लड़के लोग काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत से इतनी ठंडी में, देखते रहिए। हाँ इसके नीचे बर्फ की लेयर बिछा दी है, अभी एक बार मछली की लेयर हो जाए, फिर इसके ऊपर और बर्फ की लेयर बिछाएंगे, फिर उसके बाद फिर मछली की लेयर बिछाएंगे, और तकरीबन 1 घंटा के आसपास इसको रहने देंगे जिससे कि ये अच्छे से फ्रोजन हो जाएगी, और फिर लंबे सफर के लिए ये तैयार रहेगी।
नहीं नहीं चलने दो, तुम तो लाओ। ये मछली की लेयर हो चुकी है, अब इसमें बर्फ जो है वो डाली जाएगी। लास्ट टाइम हमने बहुत बड़ा हापा ले लिए थे तो क्या है कि मछली जो है एक के ऊपर एक नहीं आती, फिर भागती है साइड में। अभी हमने छोटा हापा लिए हैं, ये देखिए ये बर्फ है, बिना कोई चोट के अच्छे से फ्रोजन हो जाती है। तकरीबन ऑलमोस्ट 60% माल को हापा के जरिए फ्रोजन करने की प्रक्रिया में लगा दिया है। इसमें एक घंटा लगेगा। अब देखिए जो नीचे है, ये देखिए ये नीचे जो है ये सब ठंडे हो गए हैं और पन्नी से इसको कर दिया। आप चाहें तो नीचे थर्माकोल साइड में लगा सकते हैं, जैसी सुविधा हो। आपको मैं थोड़ा नजदीक से इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ। इसे मरने में बहुत टाइम लगता है बाकी मछलियों के मुकाबले। ये आइस बॉक्स की पैकिंग चालू हो गई। पहले बर्फ का चादर बिछा दिए हैं। इसमें एक दो फिर भी जिंदा ही है। एक दो नहीं, चार पांच। 13 किलो करो उसको। जीरो कर लिया ना? ठीक है छोड़ दो। 13200 ठीक है डालो। डालो बोलो चलो बुझाओ। हाँ डालो। बस फैला दो बर्फ को। इसको डालो जरा सी। और डालो। 11200 है। 12 और डालना। 26 और 12 एक किलो और। ठीक। अब जो हम मंडी में आ चुके हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा शोर होता है, इस वजह से मुझे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये जो है हमारा माल जो है अब मंडी के अंदर जो है वो ले जाया जाएगा। इस तरीके से वहाँ के जो वर्कर हैं वो लेके जाते हैं बॉक्स को अपने सामने अच्छे से उतरवाना चाहिए, जिससे कि ये बॉक्स बहुत नरम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर थोड़ा भी ज़ोर से नीचे रखा गया या किसी भी तरीके से मिसबैलेंस हो गया तो पूरी मछली रोड पे गिर जाएगी या कहीं पे भी फट के गिर सकती है, तो वो एडिशनल काम बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हर चीज़ जो है अपने सामने ही करवाएं। अब लगभग 24 से 36 घंटे का समय बीत चुका था और हम पहुँचे, क्योंकि सफ़र तो उतने घंटे का नहीं था पर कोहरा और बादल, काफ़ी ज़्यादा ठंड, इसके कारण बहुत लेट गाड़ियाँ धीरे धीरे चला रहे थे ड्राइवर साहब, तो लेट पहुँची ये गाड़ी।
तो ये है हालात। ये बर्फ हमने जो पैक किया था वो तकरीबन 2 इंच के आसपास घटा है। लगभग हमने ऊपर तक पैक किया था और अभी आप देखें, मैं दिखा रहा हूँ कि 2 इंच के आसपास घटा है और ये बर्फ जो है अगले 24 घंटे तक और चल जाएगा। मतलब 2 दिन तक 2.5 दिन तक इसे कोई दिक्कत नहीं है और ये रह सकता है। ये सर्दियों के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर गर्मी के दिन की बात है तो फिर आपको बर्फ को बदलना पड़ेगा, मछलियों को निकाल के वापस से मछलियों को डाल के बर्फ डालना पड़ेगा। ये बर्फ की कंडीशन है। एक बॉक्स में 45-48 किलो इस तरीके से माल को डाला जा सकता है ठंड में, और 20-25 किलो बर्फ डाल सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा 24-36 घंटे के लिए। हमने भी यही डाले थे और आप देख सकते हैं कि माल जो है वो बर्फ़ के साथ है, पूरी बर्फ भी नहीं घुली है और मौसम भी इतना ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, इस वजह से माल भी है वो सुरक्षित बिल्कुल जैसा के तैसा पहुंचा है। इसमें मछली का कलर, चूंकि आपने देखा है कि मछली को ज़िंदा ही फ्रोज़न किया गया, इस तरीके से पैकिंग करने में मछली का कलर, डिज़ाइन, हर चीज़ जो है वो बढ़िया पहुंचती है आप जहां भी पहुंचाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या समय नहीं था कि हम माल को अलग अलग ग्रेड करके और पैक करते जिससे कि रात हो जाती, इस वजह से हमने बड़ा छोटा सब एक साथ भर दिया ताकि हम वहां पर ग्रेडिंग करके अलग अलग माल को सेल कर सकें। बाकी मंडी का वीडियो वहीं तक था। बाकी वॉइस ओवर के लिए मैंने दूसरी क्लिप जोड़ी है, ये इसके पहले जो गाड़ी गई थी भर के, ये उसका वीडियो है। मंडी में रेट सब साइज के डिपेंड करता है, साइज पर। 1 किलो का है तो आपका 350 रुपये भी बिकेगा, 400-450 तक भी जा सकता है कभी कभी, अगर 1 केजी का है। और अगर आधा केजी का है तो आधे रेट पे जाएगा, 200-250 इस तरीके से। और अगर और भी छोटा है तो फिर और भी कम रेट जाएगा। तो इस तरीके से साइज के हिसाब से मुरेल का रेट अप डाउन रहता है। एक ही रेट जो है वो आपको, ऐसा नहीं है कि 100-200 ग्राम का बच्चा लेके गया आप बेचने तो भी आपको वही रेट मिलेगा जो 1 किलो का मिलेगा। तो ये मुरेल की जो है खास बात है, इस तरीके से रेट मिलते हैं। बाकी जो है इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ आइडिया मिल पाए कि आप किस तरीके से दूसरी जगह पे माल पहुंचा सकते हैं इस तरीके से बर्फ में पैक करके भी। हालांकि कस्टमर की डिमांड थी कि बर्फ में पैक करके लाया जाए, इसलिए हम बर्फ में पैक करके लेके गए, अन्यथा जिंदा भी पहुंचाया जा सकता है। मुरेल जिंदा भी चली जाती है, 1000-1500 किलोमीटर तक की कैपेसिटी है इसकी और आप पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मुरेल के सीट की रिक्वायरमेंट रहे तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे आपको जवाब मिल जाएगा, लेट भले मिलेगा पर मिल जाएगा। इस तरीके से हम पूरे इंडिया में मुरेल का सीट सप्लाई करते हैं और उन्हें पूरी गाइडलाइन देते हैं किस तरीके से मुरेल को पालना है, और कोई भी तकलीफ आने पर उन्हें हम सजेशन देते हैं, उनकी जो दिक्कत है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।